नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में बर्ड्स आपने अक्सर देखा होगा, जैसे ही मौसम में बदलाव होता है आपका बर्ड्स बीमार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये वो सीज़न होता है कि जब इम्यूनिटी बर्ड्स की बॉडी की डाउन जाती है, उसमें आपका बर्ड्स किसी ना किसी बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन की चपेट में आए गए हैं। हमें इस बदलते मौसम में क्या क्या दवाइयाँ अपने बर्ड्स को देनी चाहिए ताकि हम अपने बर्ड्स को बीमार होने से बचा सके। देखिए, कोशिश कीजिए रोजाना 1-2 घंटा अपने बर्ड्स को धूप के अंदर जरूर रखिए, क्योंकि धूप में क्या है, ऑटोमेटिक विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी से क्या है, एक तो बर्ड्स की हड्डियां मजबूत रहती हैं, इनके शरीर में कैल्शियम फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन होता रहता है। दूसरा, आपके बर्ड्स की बॉडी में यदि कोई जर्म्स वगैरह है, कोई माइस या लाइट्स है, तो ऑटोमेटिक जो है विटामिन डी सनलाइट डायरेक्ट मिलेगी, तो ऑटोमेटिक बर्ड्स के फायदेस में से वो भी खत्म हो जाएंगे। अब हमने इसको क्या क्या चीज़ें आपने इस बदलते मौसम में देनी चाहिए ताकि आपके बर्ड्स बिल्कुल स्वस्थ रहें। आप कोशिश कीजिए इस टाइम में बर्ड्स को, क्योंकि इम्यूनिटी डाउन है, इस टाइम इम्यूनिटी बूस्टर आप जरूर दीजिए। अच्छा, इम्यूनिटी बूस्टर में हम क्या कर सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर में हम कोशिश कीजिए कि आपके पास जितने भी सारे बर्ड्स हैं, इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए जो है हमारे पास ये सेल पैट फॉर बर्ड्स करके एक मेडिसिन आती है, ये आप ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर कह सकते हो। कि यदि हम अपने सभी बर्ड्स के पीने के पानी में 1 लीटर पानी के हिसाब से यदि 10 ड्रॉप यदि हम अपने बर्ड्स के पीने के पानी में देंगे, तो इससे जो है बर्ड्स का जो इम्यूनिटी लेवल है ऑटोमेटिक धीरे धीरे अप होना शुरू हो जाएगा। तो सभी बर्ड्स को डेली आपने, पर डे आपने सेल पैट फॉर बर्ड्स 10 ड्रॉप्स 1 लीटर के पानी से आपने देना है। दूसरा, अब जो चीज़ आपने करनी है, यदि अभी तक आपने अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग नहीं करी है, क्योंकि पेट में वॉर्म्स का होना, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल होना, ये भी बर्ड्स की इम्यूनिटी को डाउन करने का एक तरीका होता है। या पेट में एक्सेस वॉर्म्स होते हैं, उसमें क्या होगा, आपका बर्ड्स खूब सारा दाना खा रहा है, लेकिन जो दाना है पक्षी के शरीर में न लग करके, वो जो दाना है सारे जितने भी उसके पेट में कीड़े पनप रहे हैं, वो जो दाना है यानी उसकी सेहत को वो बनने ही नहीं देंगे बर्ड्स की। को आपका बर्ड्स कितना भी अच्छी से अच्छी डाइट दो, वो जो सारा दाना है पेट में जो कीड़े हैं उनमें जा करके लगेगा। यदि हम उनके पेट की कीड़ों की एक बार दवाई दे देंगे, तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि उसके बाद जो भी आप बर्ड्स को खाने को देंगे, उसके शरीर में वो ताकत, या वो कह सकते हो कि आपका बर्ड्स का जो शरीर है उभरना शुरू हो जाएगा। नहीं तो वो वॉर्म्स है, उसके शरीर का वेट इंक्रीज ही नहीं होने देंगे। इसलिए यदि आपने अब तक अपने बर्ड्स की पेट के कीड़ों की दवाई डिवॉर्मिंग नहीं करी है, तो इस सीजन में एक बार आप प्लीज़ पहले डिवॉर्मिंग कर लीजिए। उससे क्या है, जो एक्स्ट्रा लोड्स है बर्ड्स की बॉडी में वॉर्म्स का, ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाएगा। आपने इम्यूनिटी बूस्टर दे दिया, सेलपेट दे दिया, फिर दूसरा आपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग कर ली। डिवॉर्मिंग करने के साथ साथ हमें जो है बर्ड्स के लिए कुछ एंटीबायोटिक प्रिवेंटिव ही आपको पहले से देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक्स का क्या होता है, यदि कोई हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, देखिए बर्ड्स की एक हैबिट होती है, बर्ड्स लास्ट तक अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश कर सकता है, और हमें बर्ड्स को समझना पड़ेगा, ऐसे में हम उसके बीमार होने का इंतजार ना करें, उसके पीने के पानी में पहले ही कोशिश कीजिए कि आप उसको एंटीबायोटिक देना शुरू कर दीजिए। उसके लिए जो है आप कोशिश कीजिए, एंटीबायोटिक में जो है एंड्रोसिन ओरल सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ये एंटीबायोटिक यदि हम 1 लीटर पानी के हिसाब से 3 ml हम अपने सभी बर्ड्स को देंगे, तो ऑटोमेटिक कोई भी हल्का फुल्का इन्फेक्शन जो होगा, आज जिस मौसम में बदलाव आ रहा है, तो ये उस इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक रोकने में काफ़ी मदद करेगा। तो इस एंटीबायोटिक को भी आप प्रयोग कीजिए, ये भी आपके पास जो है इस टाइम में होना जरूरी चाहिए। एंटीबायोटिक के साथ साथ आपको कोशिश करनी चाहिए कि बर्ड्स का लीवर भी मजबूत रहे, क्योंकि यदि लीवर मजबूत नहीं रहेगा तो खाली एंटीबायोटिक देने से काम नहीं चलेगा। बर्ड्स का लीवर भी मजबूत चाहिए ताकि बर्ड्स को प्रॉपर अंदर से भूख लगती रहे, और भूख के साथ साथ आपको कोशिश करनी चाहिए कि बर्ड्स जो भी दाना खाए उसको हजम कर ले। तो ऐसे में जो है हम जो है बर्ड्स को जो है भूख के लिए प्रॉपर, आप उसका लीवर मजबूत रहे उसके लिए हम पॉलीबियन सिरप हम उसको दे सकते हैं। पॉलीबियन सिरप 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में दे सकते हैं, या आपके पास नंबर ऑफ बर्ड्स कम है तो 5-5 ड्रॉप सुबह शाम आप इसको 5 से 7 दिन लगातार आप दे दीजिए। इससे बर्ड्स का जो लीवर है ऑटोमेटिक अपने आप मजबूत हो जाएगा। अब बात आती है कि बर्ड्स की बॉडी में
कोई एक्सटर्नल वॉर्म्स वगैरह ना हो, मतलब उसके फैदर्स में कोई इस तरह के कीड़े वगैरह तो नहीं है कि जर्म्स वगैरह तो नहीं है जो उसको मतलब बाइट कर रहे हो, ताकि कई बार क्या होता है कि जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो इसके शरीर में जूं इतनी हो जाती है कि इसके शरीर में जो है खून चूसना शुरू कर देती है। यदि ऐसी कोई, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है इस वेदर चेंजेस में ही आपको बर्ड्स में देखने को मिलेगी, तो ऐसे में मैंने बर्ड्स के फैदर्स का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी इनके पंखों में यदि कोई हल्का फुल्का इन्फेक्शन है तो हम इसमें जो है हम इसमें जंगल बाथ स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। जंगल बाथ स्प्रे पूरे फैदर्स पे लगा करके एक दिन छोड़ करके एक दिन आप बर्ड्स की बॉडी पे लगाइए, ताकि इसके फैदर्स में कोई भी ऊपर से एक्सटर्नल पैरासाइट्स का कोई इन्फेक्शन सुपरफिशियल है तो ऑटोमेटिक जंगल बाथ स्प्रे लगा करके आप उसको ख़त्म कीजिए। और जो आपका बर्ड्स एनीमिक होने वाला था, यानी क्योंकि लाइस या माइट्स के काटने से क्या है ऑटोमेटिक हीमोग्लोबिन का लेवल काफ़ी कम होता है, तो उसको हीमोग्लोबिन को खून की कमी से बचने के लिए कम होने के लिए हम इस जंगल बाथ का स्प्रे करेंगे, तो हमारे बर्ड्स जो है बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि इस बदलते मौसम में हम किन किन दवाइयों का प्रयोग करके अपने बर्ड्स को बीमार होने से बचा सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।